नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी में लेसन नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यह है लेसन नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसको टिक करना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में क्या दिया गया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू फॉलोइंग मेजर फैक्टर्स, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी टू द सी, सेकेंड प्लेन रीजन, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फोर्थ क्लाइमेट। इसमें आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड में क्या दिया गया, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, ऑप्शन में दिया गया है न्यूक्लिएटेड, लीनियर, डिस्प्रेस्ड, स्टार शेप, इसमें आएगा न्यूक्लिएटेड। नाउ नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में क्या दिया गया, वेयर डू यू फाइंड डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट्स इन इंडिया, ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट नियर द रिवर्स, सेकेंड नियर द ट्रांसपोर्ट रूट्स, थर्ड हिली एरियाज, फोर्थ इंडस्ट्रियल रीजन, इसके आंसर में आएगा हिली एरियाज। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ में क्या दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली, ऑप्शंस में दिया गया फॉरेस्टेड लैंड, सेकंड कल्टीवेबल लैंड, थर्ड अंडुलेटिंग ट्रोपोग्राफी, फोर्थ इंडस्ट्रीज, इसके आंसर में आएगा कल्टीवेबल लैंड। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ में क्या दिया गया, विच स्टेट हैज द लीस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राजील, ऑप्शन में दिया गया पारा, अमापा, एस्पिरिटो सेंटो एंड पराना, इसके आंसर में आएगा पारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, गिव जियोग्राफिकल रीजंस, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स, इसके आंसर में आएगा फर्स्ट ह्यूमन बींग्स रिक्वायर वाटर टू सेटिस्फाई देयर वेरियस डेली नीड्स, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज, सेकेंड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डू नॉट फ्लोरिश एज इट्स इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स डू नॉट ग्रो इन सच एरियाज, थर्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज गेट्स डेवलप्ड, मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड एज इट्स इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट्स डेवलप्ड इन सच एरियाज, इन दिस वे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स। नाउ नेक्स्ट करते हैं, सेकंड में क्या दिया गया, इन ब्राजील मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, इसके आंसर में आएगा फर्स्ट द इनिशियल सेटलमेंट्स वेयर फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राजील, सेकंड द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राजील हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलर पावर सप्लाई, थर्ड ड्यू टू दिस फेवरेबल फैक्टर्स एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड इन दिस रीजन, देयरफॉर इन ब्राजील मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। नाउ नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में क्या दिया गया, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया, इसके आंसर में आएगा फर्स्ट इन इंडिया द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज एजुकेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सेकेंड ड्यू टू दिस डेवलपमेंट्स मेनी मॉडर्न सिटीज आर इमर्जिंग इन कंट्री, मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड इन दिस सिटीज, थर्ड पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन आर सेटलिंग डाउन इन दिस सिटीज एज इट्स इफेक्ट अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ में क्या दिया गया, सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील, इसके आंसर में आएगा फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील इज अ रेन शैडो रीजन, सेकेंड द अमाउंट ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल इन दिस रीजन इज ओनली 600 मिलीमीटर, देयरफॉर दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज ड्रॉट प्रोन, थर्ड ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन दिस रीजन, देयरफॉर सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्या दिया गया, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके आंसर में आएगा फर्स्ट
एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ मेनी अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर कवर्ड बाय हिमालयन रीजन. सेकेंड, ड्यू टू माउंटेनियस रीजन इन अदर पार्ट्स एग्रीकल्चर ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. देयरफॉर अर्बनाइजेशन इज वेरी लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. थर्ड, दिल्ली एंड चंडीगढ़ lie in the North Indian plains. Delhi is the capital of India. Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana state. There are many government offices, banks, other administrative buildings, etc. in Delhi and Haryana. Therefore, the rate of urbanization is high in Delhi and Chandigarh. Thus, except Delhi and Chandigarh, urbanization is low in other parts of North India. Now, next question करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा है, आंसर इन शॉर्ट्स. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राजील एंड इंडिया. इसके आंसर में आएगा फर्स्ट, इन ब्राजील द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज कंपैरेटिवली हायर एंड इन इंडिया द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज कंपैरेटिवली लोअर. सेकेंड, इन 2011 द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वॉज ओनली 31.2%. ऑन द अदर हैंड In 2010, the rate of urbanization in Brazil was 84.6%. Third, in India, the rate of urbanization increased from 18% in 1961 to 31.2% in 2011. Fourth, in Brazil, the rate of urbanization increased from 47.1% in 1960 to 84.6% in 2010. Fifth, in India, the rate of urbanization has increased continuously from 1961 to 2011. Sixth, in India, the rate of urbanization has increased with fluctuating rate from 1961 to 2011. Seventh, in Brazil, the rate of urbanization has increased from 1960 to 2010. Eighth, in Brazil, though the rate of urbanization has increased from 1960 to 2010, it has increased by diminishing rate. Now next करते हैं. Second में क्या दिया गया, differentiate between the human settlements in Ganga River Basin and the Amazon River Basin. इसके answer में आएगा first, mild climatic conditions are found in the Ganga River Basin. Second, due to the deposition of sediment brought by Ganga and its tributaries, a fertile cultivable land is found in the Ganga River Basin. Third, agriculture and other industries have flourished well in Ganga River Basin. Fourth, a network of transport facilities as well as employment opportunities are available in the region of Ganga River Basin. Due to these favorable factors, nucleated and dense human settlements are found in Ganga River Basin. Fifth, extremely unhealthy climate is found in Amazon River Basin. Sixth, due to dense evergreen rainforest, the area of Amazon River Basin has become inaccessible. Seventh, due to inaccessibility, there are restrictions on the use and the exploitation of natural resources available in Amazon River Basin. Eighth, due to dense forest, very poor transport facilities are available in Amazon River Basin. Due to these unfavorable factors, dispersed and scattered human settlements are found in Amazon River Basin. Now next करते हैं. Third में क्या दिया गया, why do human settlement grow in specific locations only? इसका answer में आएगा first, drought prone region, desert region, region having infertile land, reasons of unhealthy climate etc. adversely affect the growth of human settlements. Second, in such regions, the agriculture and industries do not progress well as its effect human settlements do not grow in such regions. Third, regions with fresh air and bright sunlight, regions with availability of water, regions having fertile land, regions of moderate rainfall etc. supports the growth of human settlements. Fourth, in such regions, the agriculture and industries progress well as its effect human settlements grow in such areas. In this way, due to presence of favorable factors, human settlements grow in specific location only. So friends, आज हमारा यहाँ पे lesson number 7 का exercise complete हुआ. आप लोगों को ये video कैसा लगा आप लोग comment box पे जरूर लिख करके बताइए.
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।